आप सब लोगों को कुकिंग विद नाज़नीन की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। दुनिया के तमाम तर मुसलमानों को रमज़ान की बहुत सारी नेक तमन्नाएं, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की तौफीक दे और हमारी तमाम तर इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आधा चम्मच मैंने दादी मिर्च का लिया है, थोड़ा सा पाउडर मिर्च लिया है, ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया, आधा चम्मच नमक का लिया। ये मैंने मसाले में डाल दिए गोश्त में। मैं बना रही हूँ टमाटरों वाला गोश्त, ठीक है। ये मैंने टमाटर काट लिए, ये मैं टमाटर डाल देती हूँ इसमें। टमाटर डाल दिए, अब मैं इन्हें हला देती हूँ। अब ना ये ना टमाटरों वाला गोश्त बन जाएगा, साथ टमाटर भी गल जाएंगे और गोश्त भी गल जाएगा। ये तकरीबन हमारा ना हांडी तैयार होने वाली है, गोश्त भी गल गया, तो थोड़ा सा टाइम और लेगा। ये फिर ना आँच में थोड़ी सी तेज़ कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको मैं। हाँ जी, ये टमाटरों के सारे ना हम भूनने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह टमाटर ना सारे खुर गए हैं, तो बहुत मज़े का बनेगा सालन। अब मैं ना इसे घी डालती हूँ, तो घी डाल के फिर भूनते हैं। ये देखिए ना टमाटर सारे गल गए, अगर कोई है भी तो उसके ऐसे करके ना उसे दबा देंगे, फिर वो गल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हमें घी डाल, हाँ जी मैंने घी डाल दिया, अब भूनते हैं। ये देखिए, अब मैंने कहा गोश्त वाली कढ़ाई ना बनाते हैं टमाटरों वाली। इसके पापा लेके आए थे गोश्त, है तो ये छोटा गोश्त बकरे का है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी कढ़ाई तैयार हुई है हमारी, नमक मिर्च भी बिल्कुल सही है इसका। आप बनाएं हमारी वीडियो, पूरी देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बहन भाइयों के साथ आप शेयर भी करा करें हमारी वीडियो। ये देखिए इसके ऊपर घी भी आ गया, तो थोड़ा सा और सूख गया ना पानी। ये माशाल्लाह तैयार हो गया। चले फिर मैं निकाल के दिखाती हूँ। हाँ जी माशाल्लाह देखें हमारी कढ़ाई तैयार हो गई टमाटर वाली, माशाल्लाह गोश्त की। आप ज़रूर ट्राई करें। अब हमें इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।